ध्यान रखना, मनुष्य अज्ञानतावश केवल एक तरफा भागने का प्रयास करता है, एक तरफा चलता है। होड़ लगी हुई है आज धन कमाने की, रुपया कमाने की, पैसा कमाने की, जो है एक तरफा विकास, एक तरफा देखा देखी। इसके पास इतना है तो मैं और इतना, इसके पास इतना है तो मैं और इतना आगे बढ़ूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। अच्छी बात है, पैसा तो कमाना ही चाहिए, ये धन तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए, लक्ष्मी का आदर होना चाहिए। मगर धन उतना ही जो है श्रेष्ठ है जितना, जितने से आपका जीवन सुंदर बन जाए, उस धन का सही सही उपयोग हो। अगर आप केवल धन कमाने के चक्कर में लगे रह जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धन कमाते कमाते ही और राम नाम हो जाएगा सत्य। तो धन का सही उपयोग भी तो होना चाहिए ना, कि धन हम अगर कमा रहे हैं तो शरीर कल्याण, अपना परिवार कल्याण के साथ साथ में आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करें, मगर समय ही नहीं मिलता बाबा जी, क्या करें? बच्चों से, पत्नी से, घर से, द्वार से, ये तो ऐसा डिब्बा है भैया कि नित्य डालते रहो किंतु खाली की खाली। यहां तो जितना भी भरते जाओगे कभी जो है पूरा होने वाला नहीं है, है ना? जैसे वो लेटर बॉक्स का डिब्बा होता था ना, लेटर बॉक्स, समझते? अब लोग नहीं जानेंगे, पहले पत्र जब जाया करते थे तो आदमी उसमें डाला करते थे लेटर, मगर वो शाम को डालें सवेरे देखें खाली का खाली, क्योंकि वो निकाल के जो है ले जाता था डाकिया। ऐसा ही हमारा जीवन है कि हम जो परिवार रूपी इस लेटर बॉक्स में पूरे जीवन डालते रहते हैं, मगर जब देखो तो खाली का खाली ही है। तो जीवन की उपयोगिता हमें समझना चाहिए। धन कमाइए, बहुत जरूरी है, गृहस्थ को धन कमाना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म तभी श्रेष्ठ धर्म है। धन कमा करके दशांश आपको यज्ञ में लगाना चाहिए, ये वेद कहते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। दशांश अर्थात 100 रुपया कमाया है तो 10 रुपया आप निकाल ही दीजिए यज्ञ के लिए, नहीं निकालते हैं अगर तो मोघम पार सजीवति, भगवान कहते हैं वो पापी व्यक्ति बेकार ही जीता है, अपने भोजनों उच्छादन के लिए जीता है। 10 रुपया निकालिए ही, आप बच नहीं सकते कि हम गरीब हैं, गरीब हैं। आप पेट चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, 100 रुपया कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, तो 10 रुपया निकालो। अगर 1 करोड़ कोई कमा रहा है, 100 करोड़ कमा रहा है, तो 1 करोड़ निकाले, 10 करोड़ निकाले वो। ये है विधान हमारे शास्त्रों का, शास्त्रों के अनुरूप आप चलेंगे तभी जीवन सुखी होगा। तो तीन जो है, इसीलिए आप देखते हैं कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, है ना? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। धन में सुख नहीं है, धन है अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, मगर उस धन को जब धर्म में लगाओगे तभी सुखी होगे। सुखी राम को दास, जब भगवान के आप दास बनेंगे, दास का मतलब क्या होता है? जो सेवा करता है। सेवा कैसी करनी है? केवल नहलाना, जल बस नहीं डालना है, सेवा में आपको ये सेवा करनी है, उनके लिए यज्ञ रचा गया है। तो इसमें आप जो है दशांश निकाल करके आकर के जमा करिए, यहाँ ये सेवा है। केवल जल चढ़ा देना, पत्र चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, यही सेवा नहीं है। आदमी जिंदगी भर अच्छा सस्ता सा सस्ती सेवा करता रहता है, जाएगा बढ़िया नहाएगा, जाके एक डोला एक लोटा जल चढ़ाएगा, वहीं कहीं से फूल तोड़ करके ले आएगा, इतना सारा फूल चढ़ा देगा, अक्षत चढ़ा देगा, ये सस्ती सस्ती सेवा है ना, इसमें कुछ लगता ही नहीं। मगर जो धन जिसमें आपकी आसक्ति है वह चढ़ाइए तब तो जाने, और परमात्मा सदा आपकी आसक्ति मांगता है। जिसमें आसक्ति है पहले आप उसको आप मुझे अर्पित कर दो। तन में है तो तन लगा, धन में है तो धन लगा, मन में है तो मन लगा। यह है पूजा का तरीका।